अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद मुआविया, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जुआर मीडिया। तो नाज़रीन, आपको बताते चले कि अल्हम्दुलिल्लाह जमात बशमूल घराना मौलाना मुआविया आदम साहब एक पेज पर जमा हो चुके हैं। 2 मार्च 2024 को जमात की बाख्तियार मरकजी कमेटी, जिसके सदर अलामा फारूकी साहब हैं, उनकी तरफ से एक ऐलान किया गया मौलाना मुआविया साहब के बारे में कि उन पर 6 माह के लिए जमाती पाबंदी है। वो किसी जमाती प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सकते, जमाती स्टेज के ऊपर आकर बयान नहीं कर सकते, जिसको मौलाना मुआविया साहब ने माना और पूरी जमात ने माना। अल्हम्दुलिल्लाह 2 सितंबर 2024 को पाबंदी की निदत पूरी हो गई और मौलाना मुआविया साहब ने जमात के साथ वादा वफा निभाया और जमात के फैसले को सरचश्म कबूल फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह सारी जमात एक पेज पर है, लेकिन एक हफ्ते से ये देखने से आ रहा है कि जमात के इस फैसले के खिलाफ कुछ लोग इजला के जिम्मेदारान को काले करके कह रहे हैं कि मौलाना मुआविया आजम साहब को आपने जलसे के अंदर या आपने स्टेज पर नहीं बुलाना, क्योंकि उन पर जमात की तरफ से पाबंदी है। तो इनके इतला के लिए अर्ज है कि पाबंदी खत्म हुए आज 14, 15 से 20 दिन हो चुके हैं, लिहाजा हमारी जमात की मरकजी जिम्मेदार क़यादत से गुजारिश है कि जो जमात के फैसले के खिलाफ जाकर इस्लाम में लोगों को फोन कर करके मौलाना आजम तारिक साहब के घराने से अपना बूथ जाहिर कर रहे हैं, इनके खिलाफ पूरी तौर पर जमात को जमात अपने कार्रवाई अमल में लाए और अपने मुताबिक कार्रवाई करे और मुखालिफ के बयाने को यकसर मुस्तरद करे और ये बात कौम पर वाज़ेह करें कि जमात अल्हम्दुलिल्लाह बशमूल मुआविया आजम साहब के एक पेज पर जमा है। और उसके अलावा नाज़रीन, क्या आपको इलम है कि अहमद उलझानी साहब का नाम फोर्थ शेड्यूल में नहीं, फारूकी साहब का नाम भी फोर्थ शेड्यूल में नहीं है, अलामा दिशानी का नाम फोर्थ शेड्यूल में नहीं है, ताहिर अशरफ का नाम फोर्थ शेड्यूल में नहीं है, मौलाना लतफुल्लाह का नाम फोर्थ शेड्यूल में नहीं है, मसरूर नवाज का नाम फोर्थ शेड्यूल में नहीं है, आसिफ मुआविया सियाल का नाम भी फोर्थ शेड्यूल में नहीं है, राव इकबाल, अशरफ हुसैनी, इशफाक गुजर, हाफिज हुसैन अहमद समेत बहुत से जमात के कारकुनों और जिम्मेदारान के नाम फोर्थ शेड्यूल के अंदर बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये बड़ी बात है कि मौलाना मुआविया साहब का नाम फोर्थ शेड्यूल के अंदर शामिल है, तो इससे उनकी जमात के साथ मुखलिसी जाहिर होती है कि उनका नाम जमात की वजह से फोर्थ शेड्यूल के अंदर है। अल्लाह ताला जमात की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला मौलाना साहब की हिफाजत फरमाए, बुजानी साहब की हिफाजत फरमाए, मुआविया आजम साहब के तमाम उनसे जो बुज रखने वाले हैं उनके शुरू से अल्लाह ताला मौलाना साहब की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला मौलाना साहब को तरक्की दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अदा फरमाए। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।